भारतीय मूल की एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स की धरती पर वापसी मुश्किल होती जा रही है। उन्हें 14 जून 2024 को धरती पर वापस आना था, लेकिन तकनीकी खराबी के कारण वो पिछले कई दिनों से अंतरिक्ष में फंसी हुई हैं। आपको बता दें, नासा एस्ट्रोनॉट्स बुच विल्मर और सुनीता विलियम्स की वापसी फिर टल गई है। दोनों को अभी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर ही रहना पड़ेगा। उनका बोइंग स्टारलाइन कैप्सूल अब भी ISS पर ठहरा हुआ है। कैप्सूल की तकनीकी खामियां अब तक दुरुस्त नहीं की जा सकी है। विल्मोर और विलियम्स का मिशन जून के मध्य में ही खत्म हो गया था, लेकिन वो पिछले 50 से ज्यादा दिनों से ISS पर फंसे हुए हैं। स्टारलाइनर के थ्रस्टर में खराबी और हीलियम लीक की परेशानी ने नासा और बोइंग के हाथ बांध रखे। तमाम जांचों के बावजूद अब तक वापसी की तारीख तय नहीं हो पाई है। नासा के कमर्शियल क्रू प्रोग्राम मैनेजर स्टीव स्टीस ने कहा कि मिशन मैनेजर अभी वापसी की तारीख घोषित करने को तैयार नहीं है। AP के मुताबिक स्टीस ने कहा, जब हम तैयार होंगे तब घर आएंगे। उन्होंने यह भी कहा, नासा के पास हमेशा आकस्मिक विकल्प मौजूद रहते हैं। इसके अलावा इसी महीने एक रिपोर्ट आई थी जिसमें पता चला कि नासा और बोइंग को 5 जून के लॉन्च से पहले ही स्टारलाइनर में हीलियम लीक की जानकारी थी। इसके बावजूद उन्होंने इसे नजरअंदाज किया और तय किया कि इसमें सेफ्टी का कोई खतरा नहीं। करीब 25 घंटे की यात्रा के बाद स्टारलाइनर जब कक्ष में पहुंचा तो उसमें 4 और हीलियम लीक सामने आए और एक थ्रस्टर ने काम करना ही बंद कर दिया। इन तकनीकी कारणों की वजह से ही विल्मोर और विलियम्स की वापसी में अड़चन आई। नासा का पहला लक्ष्य विल्मोर और सुनीता विलियम्स को स्टारलाइनर पर वापस लाना है। बता दें कि फिलहाल इंजीनियर एक स्पेयर थ्रस्टर का विश्लेषण कर रहे हैं ताकि उन्हें थ्रस्टर के फेल होने का असली कारण समझ में आ सके। आज के लिए बस इतना ही, एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो फॉर मोर सच अपडेट्स।